बच्चों कैसे हो मेरा नाम राजशेखर मैं जिला परिषद उन्नत पाठशाला मंडल मनोर जिले में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूं आज हम नवी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में से रहीम पाठ के बारे में जानेंगे चलिए बिना देर के हम पाठ में चलेंगे बच्चों एक बार इस दोहे को देखिए याद आ गया हाँ इस दोहे को आप सब आठवीं कक्षा में पढ़ चुके हैं एक बार फिर इसको दोहराएंगे अब इस दोहे को मैं रागयुक्त गाऊंगा, मेरे साथ आप भी गाइए वे रही मुनर धन्य है परू अंग रही मुन धन्यू पकारी अंग बांटनवारे को ला गई जो मेहंदी को रंग जो मेहंदी को रंग अब मेरे साथ गाइए

जो मेहंदी को रंग अब इस दोहे के भाव समझने के लिए आने वाले चित्र देखिए भाई तरफ के चित्र में देखिए एक बच्चा अपने मित्र की सहायता कर रहा है दाई तरफ के चित्र में हर एक आदमी दूसरों की सहायता कर रहे हैं वे लोग ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं वे धन्य होते हैं अगला चित्र देखेंगे इस चित्र में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है इसका अर्थ है कि हम दूसरों की मदद करने से हमें दूसरों से मदद मिलती है इस विषय को समझाने के लिए रहीम ने एक उदाहरण दिया है उसे अगले चित्र में देखेंगे जिस प्रकार मेहंदी बांटते समय मेहंदी बांटने वाले की उंगलियों पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है बच्चों पूर्व ज्ञान संबंधी दोह के भावार्थ को समझेंगे भावार्थ इस दोहे में कवि कहते हैं कि दूसरों की मदद करने वाले लोग धन्य होते हैं जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले की उंगलियों पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है उसी प्रकार उपकार करने वाले भी परोपकार से सुशोभित हो जाता है इस दोहे के कवि का नाम क्या है बोलिए तो हाँ इस दोहे के कवि का नाम रहीम है अब हम रहीम पाठ के बारे में जानेंगे पहले इस पाठ के मुख्य विभागों को जानेंगे पाठ के मुख्य विभाग इस पाठ में छह मुख्य विभाग हैं वे रहीम का परिचय दोहे की परिभाषा कठिन शब्दों दोहों का विश्लेषण प्रश्न जवाब और परियोजना कार्य इन इनमें से एक के बाद एक के बारे में जानेंगे अब हम अपेक्षित लक्ष्य को जानेंगे अपेक्षित लक्ष्य दोहे की परिभाषा जान सकेंगे समाज में आचरणीय अंशों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे सामाजिक अंशों को सरल और रोचक रूप में समझ सकेंगे छात्र जीवन की परिस्थितियों को दोहे के भाव से जोड़ सकेंगे कम शब्दों में रहीम का परिचय प्राप्त कर सकेंगे गहरे भाव को समझ सकेंगे अब पहला विभाग रहीम के परिचय के बारे में जानेंगे आप सब आठवीं कक्षा में रहीम के बारे में जान चुके हैं ना फिर एक बार रहीम के बारे में दोहराएंगे रहीम का परिचय रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था रहीम का जन्म लाहौर में सन पंद्रह में हुआ लाहौर अब पाकिस्तान में है इनका मृत्यु सन सोलह सौ में हुई रहीम के पिता भैरंग कांते, थे वे अकबर के शिक्षक और अभिभावक थे रहीम की माता सुल्ताना बेगम थी रहीम ने अरबी तुर्की फारसी हिंदी और संस्कृति में शिक्षा प्राप्त की थी रहीम के बारे में और कुछ जानकारी जानेंगे रहीम अकबर के नवरत्नों में एक थे अकबर के दरबार में नवरत्न माने कवि थे उनके नाम अबुल फजल, दिलचस्पी तानसेन बीरबल टोडरमल रहीम बेचारा अजियायो धर्म और मुल्ला मुलादोफियाजो थे रहीम के बारे में और कुछ जानेंगे इनके काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार नीति और भक्ति है इनके नीतिपरक दोहे सबसे ज़्यादा प्रचलित है रहीम अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे मदनाष्टक रहीम सत्सई श्रृंगार सत्सई रास पंचाध्यायी रहीम रत्नावली भर वाषिक भेदवर्ण रहीम की मुख्य रचनाएं हैं रहीम के बारे में जान चुके हैं ना बच्चों अब मैं रहीम के जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न करूंगा उसका सही उत्तर दें पहला प्रश्न यह है कि रहीम का जन्म कब हुआ ए पंद्रह सौ पैंसठ बी सोलह सौ पचपन सी सोलह सौ छप्पन डी पंद्रह सौ छप्पन अब उत्तर दीजिए हाँ डी दी, पंद्रह सौ छप्पन सही है सुभाष बच्चन अब दूसरा प्रश्न देखिए रहीम किनके दरबार के कवि थे ये अकबर के बी बीरबल के सी शाहजहां के डी शिवाजी के अब जवाब दीजिए हाँ ये अकबर के सही जवाब सुबाष अब तीसरा प्रश्न देखिए तीसरा प्रश्न रहीम का पूरा नाम क्या था ए कान काना बी कान रहीम खाना सी अब्दुल रहीम खान खाना डी अब्दुल रहीम अब उत्तर दीजिए हाँ सी अब्दुल रहीम खान का सही जवाब सुबाष रहीम के बारे में जान चुके हैं ना बच्चों चलिए अब इस पाठ के दूसरे विभाग में से पहले दोहे को समझेंगे बच्चों मैं इस दोहे को रागयुक्त कहूँगा बाद में आप सब मेरे साथ गाने की कोशिश कीजिए रही दागा प्रेम का मत तोड़ो चटका रही मन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटका टूटे से फिर ना मिले मिले घाट परी जाए मिले घाट परी जाए रही मन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाय टूटे से फिर ना मिले मिले घाट परी जाए मिले घाट पर ही जाए बच्चों अब मेरे साथ गाइए रही मनु दागा प्रेम का मत तोड़ो चटका रही मनु दागा प्रेम का मत तोड़ो चटका टूटे से फिर न मिले मिले घाट परी जाए मिले घाट परी जाए इस दोहे में क्या क्या कठिन शब्द है उनको जानेंगे शब्दार्थ चटकाई शब्द का अर्थ झटके से परिजाई शब्द का अर्थ पड़ जाती है अब दोहे के विश्लेषण के बारे में जानेंगे वर्तमान स्थिति में रहीम का यह दोहा अत्यंत प्रासंगिक है छोटे से स्वार्थ के कारण रिश्ते में दूरी आ जाती है ऐसे प्रेम संबंध को दोबारा जोड़ना मुश्किल होता है जोड़ने पर भी पहले जैसे नहीं रहता इसके और एक उदाहरण देखेंगे इस चित्र में देखिए दो मित्र के बीच में घनिष्ठ मित्रता है किसी कारण दोनों के बीच में दूरी आ गया तो उन दो मित्र मिलने पर भी पहले जैसे उनके रिश्ते में मिठास नहीं होती है अगले चित्र को देखिए रहीम ने बताया है कि धागा और प्रेम समान रूप होता है धागा और प्रेम दोनों बहुत नाजुक होता है अगले चित्र देखिए छोटे छोटे कारणों से प्रेम रूपी धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि वह बहुत नाजुक होने के कारण टूट जाता है एक बार प्रेम का बंधन टूट गया तो क्या होता है अगले चित्र देखिए एक बार अगर प्रेम का बंधन टूट गया तो जुड़ नहीं पाता और अगर उसे कोशिश करके जोड़ भी दिया जाए तो उस रिश्ते में गांठ पड़ जाता है वह बंधन मजबूत नहीं होता है इसलिए क्षणिक आवेश में प्रेम रूपी नाजुक धागे को नहीं तोड़ना चाहिए इस दोहे के भावार्थ को कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है अब इसका भावार्थ को जानेंगे भावार्थ रहीम कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है इसे झटका देकर तोड़ना नहीं चाहिए यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे जोड़ना कठिन होता है और यदि जुड़ भी जाए तो टूटे हुए धागों या संबंधों के बीच में घांट पड़ जाता है अब इस दोहे का भाव आपको कहां तक समझ में आया है जानने के लिए मैं कुछ प्रश्न करूंगा उसके सही उत्तर दीजिए बच्चों पहला प्रश्न पहला प्रश्न प्रेम का बंधन कैसा होता है ये मोटा बी नाजुक सी पतला टी गहरा अब उत्तर दीजिए रही का बंधन नाजुक होता है बी नाजुक सही उत्तर सुबह अब दूसरा प्रश्न देखिए दूसरा प्रश्न रहीम ने प्रेम की तुलना किसी से की ये धारा से बी धागे से सी घास से डी दान से अब उत्तर दीजिए बी धागे से सही उत्तर सुबाष अब तीसरा प्रश्न देखिए तीसरा प्रश्न धागे को जोड़ने से क्या पड़ जाता है ये घाट बी घरा सी घमला डी गायल अब उत्तर दीजिए हाँ धागे को जोड़ने से घाट पड़ जाती है ये घाट सही उत्तर सुभाष पहले दोहे के बारे में जान चुके हैं ना अब हम दूसरे दोहे के बारे में जानेंगे इस दोहे को मैं गाऊंगा बाद में आप भी मेरे साथ गाने की कोशिश कीजिए रही की मन ही राखो ग निज मन की विदा राखो गो सुनि अट लै है लोग गुसब भाटी न लि है कोई बाटि ना लि है को रमनुज मन की विदा मन ही सुनियट लई है लोग भांटी ना लै है कोई भांटी ना लई है कोई को। अब मेरे साथ गाइए रही मन निज मन की बिदा। मन ही रा सुनियट लई है लोग सब होई कोई बांटी ना है कोई इसके कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे इस दोहे के शब्दार्थ निज का अर्थ अपने विदा का अर्थ दर्द गोय का अर्थ छिपाकर अटल का अर्थ मजाक उड़ाना अब इस दो का विश्लेषण देखेंगे इस चित्र को देखिए मित्रता एक ऐसा अनोखा रिश्ता है जो बहुत ही सुंदर और प्यारा होता है सच्चा मित्र हमारे हर संदर्भ में साथ रहते हैं वह जीवन भर आपका साथ निभाते हैं अगले चित्र को देखिए सच्चा मित्र का पहचान विपत्ति के समय में ही मालूम होती है जो मित्र विपत्ति में आपका साथ देता है वही सच्चा मित्र है एक अच्छा मित्र को पाना मुश्किल होता है इस चित्र में एक मित्र अपने मित्र की बाधा को दूर करने का प्रयास कर रहा है आने वाले चित्र को देखिए एक व्यक्ति किसी कारण बाधा में है ऐसे समय अपने मन के दर्द को अपने मन में ही छुपा कर रख लेना चाहिए दूसरों को नहीं बताना चाहिए बताने से क्या होता है इसे जानने के लिए अगले चित्र को देखिए दूसरों को बताने से सच्चा मित्र हो तो हमको मदद मिलता है अपने दुख बांटने से पीड़ा कम हो जाती है लेकिन सच्चा मित्र नहीं हो तो क्या होता है आने वाले चित्र देखिए हम अपने बाधा दूसरों को बताने से दूसरे सहायता किए बिना उसका मजाक उड़ाते हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो दर्द को बांटने वाला हो उस समय धैर्यवान होकर दर्द को सहने की शक्ति अर्जित करे इसलिए हमारे दर्द को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए अब इस दोहे के भावार्थ को जानेंगे भावार्थ रहीम कहते हैं कि अपने मन के दर्द को अपने मन में ही छिपा कर रहना चाहिए दूसरों को नहीं बताना चाहिए दूसरे हमारे दुख बांटने के बजाय उसका मज़ा ही उड़ाते हैं अब इस दोहे के संबंधित कुछ प्रश्न करूंगा, उनके सही उत्तर देना पहला प्रश्न रहीम के अनुसार अपने मन के दर्द को कहाँ छिपाना है ये अपने मन में बी दूसरों के मन में सी अपने घर में डी अपने हाथ में अब उत्तर दीजिए हाँ ये अपने सही उत्तर सुभाष बच्चों, अगले प्रश्न देखिए दूसरा प्रश्न है शब्द का अर्थ क्या होता है ये मार डालना बी मजाक उड़ाना सी होश में आना डी दुखित होना सही उत्तर दीजिए हाँ मजाक है, सही उत्तर हम रहीम के दो दोहों को जान चुके हैं अब हम इस पाठ के द्वारा प्राप्त की गई दक्षताओं के बारे में जानेंगे सीखने के बाद प्राप्त की गई दक्षताएँ दोहे की परिभाषा जान सकते हैं समाज में आचरणीय अंशों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं सामाजिक अंशों को सरल और रोचक रूप में समझ सकते हैं, छात्र जीवन की परिस्थितियों को दोहे के भाव से जोड़ सकते हैं कम शब्दों में रहीम का परिचय प्राप्त कर सकते हैं गहरे भाव को समझ सकते हैं अब मैं कुछ प्रश्न देता हूँ इसे अपने नोटबुक में लिखकर अपने हिंदी अध्यापक को दिखाइए प्रश्न ये है प्रश्न रहीम के बारे में पांच वाक्य अपने शब्दों में लिखिए दूसरा प्रश्न प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता तीसरा प्रश्न हम अपने दुख को दूसरों के सामने क्यों व्यक्त नहीं करना चाहिए अब आप सबके लिए एक परियोजना कार्य दे रहा हूं इसे पूरा करके अपने अध्यापक को दिखाइए परियोजना कार्य नीति संबंधी अन्य कवियों के दोहे एकत्र कीजिए और उन दोहों को चार्ट पर लिखिए बाकी दोहों को अगली कक्षा में जानेंगे धन्यवाद